ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी सॉरी मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, मौलाना फजल रहमान मिलने के लिए भी गए, उसके बाद बिलावल साहब को, तो ये क्या अब बन रहा है जी, कोई दोबारा समथिंग कुकिंग अप, कोई आप टफ टाइम देना चाह रहे हैं हुकूमत को? मंसूर, बात यह है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हुकूमत खुद ही अपना टफ़ टाइम ले रही है, एंड दे डोंट नीड एनिमीज़ फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव दे प्रिटी गुड एनिमीज़ इनसाइड ऑफ देम। सो वो हम देखते भी रहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, कोई कहता है मुझे फांसी दे दो, कोई कहता है मुझे फंदा लगा दो, कोई कुछ कहता है, सो आए दिन आप देखते हैं पार्लियामेंट में क्या क्या कुछ होता है और किस तरह यहाँ पर इत्तेहादी भागते हैं, फिर किस तरह उनके पीछे जाया जाता है। तो टफ़ टाइम की जहाँ तक बात है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोविड के दौरान या जब भी कोई नेशनल ऐसा इशू आता है तो गवर्नमेंट को हमेशा ऑपोजिशन के तमाम जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और तमाम तरह ऑपोजिशन जमातों के जो लीडर्स हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि आइए मिलकर बैठते हैं, कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें, लेकिन वहाँ पे कभी भी इस तरह का रवैया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आया, बिकॉज आई थिंक दे थिंक दैट दे आर कुल्लू अकल, तो अब फिर उसका तो कोई हल नहीं। और टफ टाइम इंशाल्लाह जो भी कुक अप होगा अव्वल तो वो वैसे ही नज़र आ जाएगा, तो let's see, let the time comes, everybody will see that. ठीक, अच्छा, कल हाशिम डोगर साहब